दिन भर मैं हूं शेख जुई, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में प्रचंड गर्मी, बुधवार को 48 डिग्री के साथ बाड़मेर रहा सबसे गर्म शहर। 6 शहरों में पारा पहुंचा 47 डिग्री के करीब, अगले 5 दिन तक राहत नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर लोकसभा प्रत्याशी योगेंद्र के समर्थन में रोहिणी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन अब वे खुद भ्रष्टाचार के कारण जेल गए। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ नेता के साथ बदतमीजी की, तो दिल्ली के माता बहनों की सुरक्षा कैसे मिलेगी? दिल्ली की जनता भाजपा के पक्ष में वोट डालकर इन पाखंडियों को जवाब देगी। स्वाति मालीवाल मामले में पूर्व पति नवीन जयहिंद का एक वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है। वो एक तरफ निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पीए विवेक कुमार की गिरफ्तारी करने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच हो। मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैं स्वाति के साथ 10 साल रहा हूं, और अगर स्वाति झूठ बोल रही है तो उसे भी जेल में डाल देंगे। दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, संविधान से आरक्षण निकलता है, चुनाव होते हैं, जो कभी आपको मिला वो इस संविधान से आपको दिया, इसको हम कभी भी मिटने नहीं देंगे। बीजेपी कह रही है कि हम आरक्षण को हटा देंगे, लेकिन हम इसको और बढ़ा देंगे। वह रोजगार मांगने पर कहते हैं, एक पाइप लोन नाले में डालो, उसमें से जो गैस निकले उस पर पकोड़े बनाओ, ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करती है। अडानी और अंबानी के लिए जो भी चाहिए वह केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी है गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेट कर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं, भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं, भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं, भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सभी हदें पार हो गई है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माता पिता को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या पीएम इतना नीचे गिर गए कि बूढ़े माता पिता को परेशान किया जा रहा है? दिल्ली की जनता अपने वोट के जरिए इसका जवाब देगी। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। षड्यंत्र रच रही, लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बुजुर्ग उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान 25 मई को होना है, जिसके लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इस दिन वोटिंग होगी। दिल्ली समेत देश भर की 57 सीटों पर वोटिंग 25 मई को होनी है, जिसके लिए आज सभी पार्टी के दिग्गज ने तमाम रैलियां की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पटियाला में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लोग पसंद कर रहे हैं, पूरे देश में बदलाव का माहौल बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बहुत बढ़त बनाए हुए हैं, न सिर्फ लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब में हम चुनाव जीतेंगे। वही सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटियाला में चुनावी सभा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और मध्यम वर्ग सभी बीजेपी के विरोध में है। केंद्र की सरकार शुद्ध रूप से किसान विरोधी रही, किसान इनसे नाराज हैं और मतपेटी के माध्यम से फैसला सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के नदीग्राम में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि दो घायलों का इलाज चल रहा है। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनके एक दोस्त ने उनकी हत्या के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।